बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन और डिफरेंट मेडिकल गैसेस सिलेंडर्स और पाइपलाइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हम उसकी थोड़े से डिस्क्रिप्शन कर लें कि ऑक्सीजन जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है। अगर हम उसकी कंपोजिशन की तरफ देख लें एटमॉस्फेरिक एयर की, तो उसमें 78% जो है उसमें नाइट्रोजन होते हैं और तकरीबन 21 ऑलमोस्ट जो है वो ऑक्सीजन होते हैं और 1% बाकी जो ट्रेस गैसेस है वो पाए जाते हैं। तो दैट पार्ट द सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। इसका कलर जो है वो पेल ब्लू है, नॉन इन्फ्लेमेबल है और एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। लेकिन ये मैं बात करता हूँ लिक्विड ऑक्सीजन की। नॉर्मल जो ऑक्सीजन होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं दे आर इन्फ्लेमेबल, वो जल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास होता है जो हमने वेपर्स के फॉर्म में स्टोर किया होता है, सो दे आर पेल ब्लू, उसका कलर जो है वो पेल ब्लू है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, वो एक्सप्लोसिव भी नहीं है, जल भी नहीं सकते और एक्सट्रीमली कूल होते हैं क्योंकि वो हम लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। ऑक्सीजन लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर मैं कह दूँ कि ऑक्सीजन इज़ अ ड्रग, एज अ लाइफ सेविंग ड्रग, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। किस तरह, अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जब हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं तो खाने में हमारे पास होते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, शुगर, ठीक हो गया। और जो हम सांस लेते हैं तो उसमें होते हैं ऑक्सीजन, जो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, जो हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे होगा हमारे पास वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और इनर्जी बनेगी इन द सेल। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इनर्जी। अब इनर्जी क्यों ज़रूरी है, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, सेल की फंक्शनिंग के लिए इनर्जी ज़रूरी है। सो अगर आपके साथ इनर्जी नहीं है तो आपकी सेल फंक्शन नहीं कर सकते और लॉस ऑफ सेलुलर फंक्शन को हम डेथ कहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपके साथ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो आपके साथ इनर्जी नहीं होगा और जब इनर्जी नहीं होगा तो आपकी सेल डेथ की तरफ जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इज अ लाइफ सेविंग ड्रग, ठीक है। यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी दिया गया है कि किस तरह ऑक्सीजन हम लेते हैं थ्रू नोज, ये चले जाते हैं एंड टू द लंग्स, ठीक है, जो ग्रीन नज़र आते हैं। लंग्स के बाद ये चले जाते हैं एंड टू द हार्ट और हार्ट के बाद ये चले जाते हैं एंड टू द सेल। और वहाँ पर जो रिएक्शन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, शेयर किया, उसी के थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं इनर्जी को, जो कि सेलुलर फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अब लिक्विड ऑक्सीजन की तरफ आते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन का क्या मतलब है। तो जिस तरह हॉस्पिटल दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, पेशेंट ज़्यादा होते जाते हैं, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन द हॉस्पिटल लेवल इंक्रीज होते जाते हैं। तो जो सप्लाई हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स वो कम पड़ जाते हैं, वो हमारी डिमांड ऑफ द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट को मीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन को स्टोर करें एक ऐसे फॉर्म में जो कि नॉन एक्सप्लोसिव हो, नॉन इन्फ्लेमेबल हो, ठीक है, और वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो ताकि जब भी ज़रूरत हो तो वो हम यूज़ कर सकें। तो इसी बेस पे हमने जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाए विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, ठीक है। तो इसके लिए हमने लिक्विड ऑक्सीजन के लिए हमने एक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ कॉल्ड क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम रिजर्वेशन भी कर सकते हैं और पर सप्लाई के लिए हम भी उसको यूज़ कर सकते हैं।
अब जो लिक्विड ऑक्सीजन होगा दैट इज़ द क्रायोजेनिक लिक्विड। क्रायोजेनिक का मतलब क्या है, वो लिक्विड जो कि बेसिकली गैसेस होते हैं लेकिन हमने उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कहते हैं किया है, उसको हम कहते हैं लिक्विफाइड गैसेस। एक्चुअली गैसेस होते हैं लेकिन कन्वर्ट करते हैं एंड टू द लिक्विड। ठीक है, किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो रख देते हैं। ठीक है, उसका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम लगते हैं दैट इज़ द -130 फारेनहाइट, या हम अगर सेंटीग्रेड में इसको डिनोट करें तो दैट इज़ द -90 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि लिक्विड ऑक्सीजन का जो हम अपनी तरफ से बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं दैट इज़ -183 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिफरेंस दोनों में देखें, ठीक है, तकरीबन -93 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें डिफरेंस मौजूद है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम बहुत लो रखते हैं। इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में और हाई कोल्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हम रखते हैं ये हम क्यों रखते हैं कि हम इसको एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर से डिफरेंशिएट करें। अब एनवायरनमेंट में नॉर्मली तो जो टेम्परेचर होता है, अब अगर हम एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें तो दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पर हमने क्या रखा -183, तो दैट इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी जो हाई डिफरेंस है बिटवीन द टू एनवायरनमेंट, द इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर द ऑक्सीजन इज स्टोर्ड एंड द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, ये जो डिफरेंस हमने रखे हैं इट कॉज द इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन इनसाइड हमने स्टोर किए हैं ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ये इनर्ट फॉर्म में होगा। अगर टेम्परेचर इसका सेम हो जाती है विद द एनवायरनमेंट सो दे कैन कॉज रिएक्शन, ये रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, जो टैंक में हमने स्टोर किया उसके साथ रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट है उस पर भी इसका इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए हम ये हाई टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं। अब जो क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम है इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है टैंक जो आप लोगों को नज़र आते हैं, क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक, वेपोराइज़र इसमें होते हैं, ये जो नंबर तीन आप लोगों को नज़र दैट इज़ द वेपोराइज़र, और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम दैट इज़ द प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रायोजेनिक जो स्टोरेज टैंक है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को, दैट इज़ बेसिकली वैक्यूम लाइक बोतल होते हैं। इस बोतल की दो सर्फेसेस होते हैं, दो इसके कॉलम्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास इनर कॉलम विच इज़ मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, और दूसरा है हमारे पास आउटर जो कि कार्बन स्टील से बना है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान एक स्पेस होते हैं जिसको हम कहते हैं एनुलर स्पेस, इस तरह। ठीक हो गया, ये जो स्पेस आप लोगों को दैट इज़ द एनुलर स्पेस, और इसी स्पेस में हमारे पास एक कंपोनेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं परलाइट। परलाइट का फंक्शन है इंसुलेशन, कि ये दोनों जो एयर की जो है उसको इंसुलेट रखते हैं ताकि उसका रिएक्शन ना हो जाए। ठीक है, और जो एयर इस इंसुलेटेड मीडियम में एकोमुलेट होते हैं दैट इज़ रिमूव्ड बाय अ वैक्यूम, क्योंकि हमने कहा कि ये जैसे वैक्यूम बॉटल, तो वैक्यूम क्या करते हैं, सक्शन करते हैं, तो ये जो एयर इस स्पेस में एंट्रैप होते हैं उसको वो सक्शन करते हैं। तो इसी सक्शनिंग की वजह से जो लिक्विड ऑक्सीजन है दैट इज़ फ्री फ्रॉम द, और जो विसल है दैट इज़ फ्री फ्रॉम द हीट, जो एयर इससे सक्शन होगा इसके साथ हीट भी सक्शन होगी, तो आपके साथ जो ऑक्सीजन रह जाती है दैट बिकम कोल्ड। जिस इस तरह मिसाल है जिस तरह रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज़र होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि रेफ्रिजरेटर में जो हॉट गैसेस है दैट इज़ एक्सपेल्ड आउट, जो अंदर रह जाते हैं दैट बिकम कोल्ड। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, जो वैक्यूम है वो हॉट एयर को सक्शन करते हैं, जो रह जाते हैं ऑक्सीजन दैट बिकम कोल्ड एंड बिकम लिक्विफाइड। तो आपके साथ लिक्विड ऑक्सीजन रह जाती है, वो विसल के बॉटम में यहाँ पर जो है वो सेट डाउन हो जाते हैं, वह और जो दूसरी गैसेस है वो या तो इवापोरेट हो जाते हैं या अपर सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, एट अ प्रेशर ऑफ 10.5 बार।
ठीक है। तो यहाँ पर जो वेपोराइज़र है, दूसरा कंपोनेंट उसका क्या था, वेपोराइज़र। वेपोराइज़ कर क्या करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम तो स्टोर रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो हमें ये गैसेस फॉर्म में ज़रूरत होती है, तो ये वेपोराइज़र वहाँ पर मौजूद है। हम वेल्व्स को ओपन करते हैं तो लिक्विड ऑक्सीजन वेपोराइज़र में आ जाते हैं और वेपोराइज़र इसको गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब प्रेशर कंट्रोल सिस्टम का क्या यहाँ पर रोल है, तो इसका रोल है कि एट कंट्रोल द गैस प्रेशर, जो हम गैसेस प्रोवाइड करते हैं टू द सेंट्रल सप्लाई टू द हॉस्पिटल फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द क्रायोजेनिक कंट्रोल सिस्टम ऑक्सीजन सिस्टम, तो वहाँ से जो प्रेशर जाते हैं इसको कंट्रोल करते हैं प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, ताकि जो हाई प्रेशर है इसके साथ भी ना जाए और लो प्रेशर के साथ भी ना चले जाए। जब वेपोराइज़र जो है इवापोरेट करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन को, सो इसका मास डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि गैस का मास हमेशा डिक्रीज़ होता है, तो इसका प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो आपके साथ अगर डिमांड हॉस्पिटल साइड से डिमांड कम है, सो इसके लिए क्योंकि ये जो फ्लो होता है ये कंटिन्यूस होता है, तो अगर आपके साथ डिमांड कम है तो ये जो प्रेशर जो ये जो गैसेज आप लोगों ने छोड़े हैं ये उसी सप्लाई में रह जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो टैंक के अंदर प्रेशर है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कंटिन्यूसली लिक्विड कन्वर्ट होते हैं इनटू द गैस, लेकिन यहाँ पर डिमांड कम है तो वो गैसेस एक्युमुलेट हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाती है, और जब वॉल्यूम बढ़ते हैं तो उसका प्रेशर भी बढ़ते हैं, लेकिन जब वॉल्यूम जब ज़रूरत ज़्यादा होती है तो ये प्रेशर वहाँ पर कम होते हैं। अब जो सेफ्टी रिलीफ वाल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये जो एक्स्ट्रा गैसेस, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ते हैं इनसाइड द टैंक, वो एटमॉस्फेयर को छोड़ते हैं ताकि वहाँ पर एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है। तो इसी तरह प्रेशर कंट्रोल जो है वो हमारे पास प्रेशर और फ्लो ऑफ ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं। इससे जो ऑक्सीजन पास होते हैं दैट विल बी द 3000 लीटर पर मिनट के हिसाब से वो फ्लो करते हैं। अब लिक्विड ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस मैंने स्टार्ट में भी बता दिया, आप भी डिस्कस देता हूँ कि इसमें हम लार्ज अमाउंट को स्टोर करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, और ये इकोनॉमिकल भी है, इससे ख़र्चा भी कमाते हैं और आसान भी है एज़ कम्पेयर टू द सिलेंडर सिस्टम, जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ सिलेंडर को रख देते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन जो है अगर हम 1 ml ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म में रखते हैं और 1 ml को हम लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, तो ये जो 1 ml हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं दैट इज़ 842 टाइम मोर वॉल्यूम देन दैट ऑफ द गैसियस फॉर्म, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल है। अब गैस सिलेंडर्स की तरफ आते हैं कि गैस सिलेंडर्स क्या हैं, तो दिस इज़ द हाई प्रेशर सिलेंडर यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कंप्रेस आर मेडिकल लिक्विड मेडिकल गैसेस, इसके थ्रू हम गैसेस को मेडिकल गैसेस को स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। बेसिकली ये तो स्टील से बना होता है, लेकिन डिफरेंट वेराइटी में अवेलेबल है, लाइक एल्यूमिनियम सिलेंडर जो कि MRI में यूज़ होते हैं, मोलेब्डिनम स्टील विच इज़ अ लाइट वेट स्टील, ठीक है, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होते हैं और उसमें कोरोजन भी नहीं होते और लाइट वेट भी होते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम और स्टील सिलेंडर विद अ कैलवर ऑफ कार्बन फाइबर, बेसिकली तो एल्यूमिनियम सिलेंडर स्टील सिलेंडर होते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो कैलवर का मतलब है सराउंडिंग, उसकी जो आउटर शेल है दैट इज़ मेड ऑफ द कार्बन फाइबर, तो इसी वजह से जो उस सिलेंडर का वेट है वो कम होता है, ठीक है, और वो हाई प्रेशर के साथ हम इसको इसके अंदर गैस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब इसका शेप जो है अगर आप उसको देख लें शेप की तरफ, तो इसका एक पोर्शन है नेक, एक है वॉल और दूसरा है बॉडी, ठीक है, जो टॉप एंड है दिस इज़ द नेक, ये हमारे पास नेक है। नेक जो है इसमें स्क्रूज़ इस तरह होते हैं, इस तरह स्क्रूज़ इसमें मौजूद होते हैं जिसके साथ हम वॉल को फिट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और इससे जो है गैस आसानी के साथ बाहर की तरफ जाते हैं और वाल की तरफ विद लो रिस्क ऑफ द एक्सप्लोजन, जिसमें एक्सप्लोजन नहीं होते।
वेल्व जो है ये ओपन, जब हम इसको ओपन करते हैं तो गैस बाहर की तरफ जाती है, और जब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो गैस बाहर की तरफ नहीं जाती। और ये जो वाल्व है इसके लिए की अवेलेबल होते हैं, उसी की के थ्रू हम इसको टर्न ऑन एंड ऑफ करते हैं। सिलेंडर को हम जब हम खरीदते यूज़ करते हैं तो हम इसके डिफरेंट टेस्ट करते हैं, ताकि ये हमारे साथ ऑपरेशन थिएटर में उसकी बर्स्टिंग ना हो जाए, वो एक्सप्लोज ना हो जाए। तो इसके लिए जो टेस्ट है दैट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, प्लेटन इम्पैक्ट एंड बेंड टेस्ट, हाइड्रोलिक और प्रेशर टेस्ट, ठीक है। और ये जो टेस्ट है, ये तीन टाइप ऑफ टेस्ट, ये हम हर 5 साल बाद करते हैं गैसेस के सिलेंडर के। अब सिलेंडर साइज़ जो है वो हमारे साथ अवेलेबल है फ्रॉम ए टू जे, यानी ए साइज़ सिलेंडर, बी साइज, सी अप टू द जे। लेकिन जो मेडिकल गैसेस के लिए यूज़ होते हैं दे आर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड एम, ये हमारे पास मोस्टली यूज़ होते हैं। ए और एच आर नॉट यूज़, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली एनेस्थेटिक मशीन के साथ जो गैस अटैच होते हैं, ऑक्सीजन का या नाइट्रस ऑक्साइड का या मेडिकल एयर का, सो दैट इज़ द ई साइज। ये MCQs है, याद रखें कि ई साइज सिलेंडर जो है वो एनेस्थेटिक गैस के साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा ये सिलेंडर भी अवेलेबल है फॉर द ऑक्सीजन, और ये सिलेंडर अवेलेबल है फॉर द नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसकी कैपेसिटी और प्रेशर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिया गया है कि इसका कैपेसिटी कितना है होता है, इसमें कितनी लीटर ऑक्सीजन आते हैं और कितनी प्रेशर के साथ आते हैं। हर ये एक का डिफरेंट प्रेशर है और डिफरेंट लीटर है, आप लोग इसको याद रखें, ये भी MCQs में आ सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कलर कोडिंग ऑफ सिलेंडर, हर एक सिलेंडर का डिफरेंट कलर कोड होता है, और इसी कलर कोड से हमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा गैस है, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए आते हैं दैट इज़ द वाइट सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ग्रे होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू होते हैं, हीलियम ये आज पाकिस्तान में अवेलेबल ज़्यादातर नहीं होता, नाइट्रोजन भी इस तरह ज़्यादा नहीं होता, एयर जो है दैट इज़ द ब्लैक एंड वाइट। तो ये आप लोग याद रखें। अब कुछ पैरामीटर इस तरह होते हैं जो कि लिक की हुई होती है, जो कंदा की होती है सिलेंडर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं एनग्रेव्ड पैरामीटर। इससे हमें पता चलता है उसी सिलेंडर के मुतालिक ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, उसकी जो अंदर गैसेस है उसके मुतालिक हमें कंपनी के बारे में जो है मुतालिक इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन कौन से क्या होंगी, गैस का केमिकल सिंबल होगा और नेम होगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होगी कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से आया है, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसके नेम और एड्रेस भी होगा, अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस, टेयर वेट ऑफ द गैस, टेयर वेट का मतलब होते हैं खाली सिलेंडर का गैस का वेट जो होता है, खाली सिलेंडर, ठीक है, उसका जो वेट होता है, और सिलेंडर साइज का कोड भी उसके ऊपर मौजूद होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एनग्रेव्ड पैरामीटर। अब एक सेफ्टी सिस्टम यूज होता है, जिसको हम कहते हैं पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम सिलेंडर को सेव कर सकते हैं, गैसेस को सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर पैरामीटर्स होते हैं जो जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं विद द प्रॉपर ओस, ठीक है, और हमारे जो एरर है वो इसकी वजह से नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर गैस सिलेंडर का अपना पिन इंडेक्स होते हैं, और इसी पिन इंडेक्स के लिए एनेस्थीसिया मशीन में एक आउटलेट होता है। तो एक स्पेसिफिक पिन इंडेक्स स्पेसिफिक आउटलेट के साथ अटैच होगा इन द एनेस्थीसिया मशीन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए अपना पोर्ट होगा, तो वो सिर्फ ऑक्सीजन पोर्ट के साथ वही सिलेंडर अटैच हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ वो अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड का अपना है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं होता, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, मेडिकल एयर के लिए अपना पिन इंडेक्स सिस्टम है, ऑक्सीजन के लिए अपना है, ये वाला इसमें नहीं हो सकता और न ये वाला इसमें फिट हो सकता, इसको हम कहते हैं पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। अब पाइपलाइन की तरफ आते हैं, ये तो हमने सिलेंडर पढ़ा, अब पाइपलाइन सप्लाई आपने बड़े हॉस्पिटलों में देखा होगा कि वहाँ पर पाइप होते हैं,
जिसमें मेडिकल गैसेस भी जाते हैं या वैक्यूम भी जाते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रेशर होता है दैट इज़ द 400 kPa, इसका प्रेशर होता है। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी जाते हैं, मेडिकल गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड, एंटोनॉक्स जो कि अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, और वैक्यूम भी अवेल है जिसके थ्रू हम सक्शनिंग करते हैं। ये जो पाइप होते हैं पाइपलाइन के अंदर, दे आर मेड अप फास्फोरस कंटेनिंग डी ऑक्सीडाइज नॉन आर्सेनिक कॉपर एलॉय। इसका मतलब ये है कि दे आर मेड अप कॉपर, बेसिकली ये कॉपर का होता है, लेकिन ये जो कॉपर होता है इसके साथ फास्फोरस भी होता है, इसलिए हम इसको एलॉय कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये दे आर डी ऑक्सीडाइज, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता और आर्सेनिक भी इसमें नहीं होता, तो दे आर मेड अप कॉपर फास्फोरस। अब ये जो कम्बिनेशन है ये क्यों है, नॉन आर्सेनिक क्यों है, नॉन ऑक्सीडाइज क्यों है और कॉपर फास्फोरस के, इसीलिए क्योंकि ये एट प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ गैसेस। जब इसके अंदर गैसेस जाते हैं तो वो गैसेस नॉर्मल हालात में होते हैं, वो डिग्रेड नहीं होते, उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होता। और दूसरा, इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी है, अगर कोई जर्म्स या बैक्टीरिया इस गैसेस के अंदर आ जाती है तो उसको किल भी करते हैं। अब जो गैस आउटलेट होते हैं, जहाँ पर जिस पॉइंट से गैस सप्लाई करते हैं पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, हॉस्पिटल या वार्ड, आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर तक ये जाते हैं, वहाँ पर जिस पॉइंट पे ये ख़त्म हो जाते हैं, जिसके साथ हम जो है या तो फ्लूमीटर कनेक्ट करते हैं या एनेस्थीजिया मशीन कनेक्ट करते हैं, जो भी हो वो हम कनेक्ट करते हैं, तो उस आउटलेट जो है उसका अपना प्रॉपर कलर कोड होता है, एक प्रॉपर कलर के साथ प्रॉपर ओज जो है वो अटैच होगा एनेस्थीजिया मशीन का या वेंटिलेटर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेफ्टी सिस्टम यूज़ होते हैं इसको हम कहते हैं डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। वहाँ पर पेन इंडेक्स था, यहाँ पर डायमीटर इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कलर दिया गया है, नाइट्रोजन का जो पोर्ट होगा वाल की, ये यूजुअली ये दीवार के ऊपर होते हैं, इस तरह के पोर्ट लगे जिसमें के अंदर हम पेन को इंड्यूस करते हैं, तो इसका अपना प्रॉपर कलर होगा, नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रस ऑक्साइड का वो ब्लू होगा, एयर का वो ब्लैक होगा, ऑक्सीजन का वाइट होगा और वैक्यूम का येलो होगा। आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ पर ऑक्सीजन, दिस इज़ पर नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज़ पर एयर, ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो ये वो इस तरह नहीं हो सकता कि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड वाले हैं या आप लोग इसमें इंड्यूस करें, ये इसमें फिट नहीं होगा, या ये ऑक्सीजन वाले है जो है इसमें फिट कर ले, तो ये फिट नहीं होगा, इसलिए हम इसको डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम होता कहते हैं, क्योंकि इसका अपना प्रॉपर डायमीटर होता है, ठीक है, उसी डायमीटर के बेस पे ये फिट होते हैं। जो पाइप होते हैं हमारे पास जो सप्लाई करते हैं, दैट इज़ यूजुअली उसका जो डायमीटर है वो 42 mm होता है, ठीक है, जिस पॉइंट से जहाँ पर ऑक्सीजन स्टोर होते हैं वहाँ से जो सप्लाई करते हैं दैट इज़ 42 mm। जब वार्ड के अंदर आते हैं जहाँ पर ये आउटलेट होता है जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा जिसके साथ हम फिर कनेक्टर लगाते हैं, सो ये डिक्रीज होते हैं और एट द एंड ये 15 mm तक आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका कलर कोड जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ ले। थैंक यू वेरी मच, ठीक हो गया।